और रास्ते में ये भाई मिला जो कि YouTube पे वीडियो देखते थे और भाई ने सब्सक्राइब भी किया है, थैंक यू भाई। कुछ बोलना चाहोगे? नहीं, कुछ नहीं बोलना चाहोगे क्योंकि तुम बहुत अच्छे हो। थैंक यू भाई, थैंक यू। बहुत दिनों के बाद में साइकिल चलाया ना तो पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है यार। दोस्तों मुझे लगता है ना कि गियर भी ख़राब हो चुका है क्योंकि ये जो है ना ऐसे बैक करता हूँ ना कभी कभी बैक नहीं होता, फिर इसको चेन को ठीक करना पड़ता है यहाँ से, उसके बाद में से ही होता है। तो स्प्राइट के बोतल में मैंने चने भिगोए थे, मस्त चने खा रहा हूँ। कब्रू का सोने का स्टाइल देखो इधर कैसे सो रहा है। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सभी को। तो फाइनली दोस्तों जैसे कि देख सकते हो हमारी पैकिंग हो चुकी है और आज हम फाइनली यहाँ से निकल रहे हैं और आज से हमारा राइड कंटिन्यू कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा अर्ली मॉर्निंग है, अभी सुबह के 4 बज रहे हैं क्योंकि दिन में बहुत धूप हो जाती है। तो मैंने जो है अपना थोड़ा सा पैकिंग यहाँ पे देख सकते हो मैंने चेंज कर दिया है। मैंने गबरू का सीटिंग का पीछे, बाकी इधर से बैग हटा के मैंने फ्रंट में शिफ्ट कर दिया है। बाकी कुछ ऐसा पैकिंग है और ऐसा दिख रहा है। बाकी झंडे मैंने अभी नहीं लगाए, झंडे मैं अभी लगा दूंगा इसमें। और हियर अपना गबरू इधर है। चलो भाई अब चलते हैं, राइड स्टार्ट करते। जय माता दी, जय श्री राम। आजा आजा गबरू, आजा, चलो 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 चलो, इधर 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 चलो, जंप जंप जंप। टाटा लास्ट बार। हम जा रहे हैं, मेरी बहन और मामी छोड़ने के लिए आई। तो फाइनली गबरू जो है बैठ चुका है और अब हम लोग जा रहे हैं। दोस्तों कुछ दिनों के लिए घर पे रुक गया था ना, इस वजह से अब तो राइड में निकला हूँ, थोड़ा अजीब लग रहा है यार वापस से, पता नहीं क्यों। और मैं आपको बता दूँ अभी हम लोग जा रहे हैं जयपुर और रास्ते में हम लोग सभी बड़े बड़े यूट्यूबर से मिलने की कोशिश करेंगे, मिले तो ठीक, नहीं मिले तो ठीक। बाकी देख सकते हो कुछ ऐसा रास्ता है और मेरी पैकिंग अभी मैं दिखाऊंगा आपको, अभी कहीं पे रुकूंगा ना फिर मैं आपको दिखाऊंगा बिल्कुल अच्छे से। और थोड़ी सी पैकिंग करनी और बाकी है अभी क्योंकि सिलीगुड़ी जाके होल्ड लूँगा एक दो दिन का, उसके बाद में फिर कंटिन्यू रहेगा। सुबह सुबह का टाइम है, 5 बज रहे हैं अब और बिल्कुल ठंडा मौसम है। 10 बजे तक राइड करेंगे, सुबह 3-4 बजे से लेकर 10 बजे तक और फिर शाम को 6 बजे से लेकर 7-8 बजे तक, बस लास्ट इतना ही राइड किया करेंगे और दिन में पूरा रेस्ट करेंगे। दोस्तों मुझे लगता है ना कि गियर भी ख़राब हो चुका है क्योंकि ये जो है ना ऐसे बैक करता हूँ ना कभी कभी बैक नहीं होता, फिर इसको चेन को ठीक करना पड़ता है यहाँ से, उसके बाद में से ही होता है। और फ्रंट तो ये सीधा तो चल जाता है, कभी कभी बैक नहीं चलता, थोड़ी अजीब लग रही है चलाने में यार। दोस्तों हम पहुँच चुके हैं फालाकाटा, इस जगह का नाम जो है फालाकाटा है। अभी सुबह का टाइम है तो सारी दुकानें वगैरह बंद है और यहाँ से अभी सिलीगुड़ी रह गया 100 किलोमीटर और। तो एक दिन में तो इस बार कवर नहीं हो पाएगा क्योंकि अब गर्मी आ गई ना, आते वक्त तो भाई पूरा मैंने एक दिन में कवर कर दिया था और जाते वक्त 2 दिन लग जाएंगे। दोस्तों ये जैसे ब्रिज देख रहे हो ना, इसके नीचे है रेल की पटरी, वो सामने देख सकते हो वो है रेल की पटरी। और थोड़ा रेस्ट करने के लिए रुक गए, सुबह से चला रहे साइकिल, अभी तक राइड कर लिया है 20 किलोमीटर प्लस राइड कर लिया है 1.5-2 घंटे के अंदर। और हम लोग पहुंच चुके हैं जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट और अब हम लोग जा रहे सिलीगुड़ी, देखते हैं आज पहुंच पाते या कल पहुंच पाते सिलीगुड़ी। यहां से 100 किलोमीटर रह गया है तो मुझे नहीं लगता आज पहुंच पाएंगे क्योंकि आपको पता है बहुत ज़्यादा धूप निकल जाती है यार। फिलहाल गबरू यहां पे बैठा हुआ है, चलो नाश्ता पानी करते, इसको भी नाश्ता पानी कराते और फिर निकलते हैं यहां से। दोस्तों अभी तक हम लोग थे कोचबिहार डिस्ट्रिक्ट में, अब जो ये आ गया ना ये आ गया है जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट। तो ये अलग डिस्ट्रिक्ट में एंटर कर चुके हैं हम और लगभग 20 किलोमीटर राइड किए हुए हो गया। दोस्तों देख सकते हो स्प्राइट के बोतल में मैंने चने भिगोए थे, मस्त चने खा रहा हूँ। गबरू को मैंने अंडे खिला दिए, चने खा रहे एकदम मस्त क्योंकि हाई प्रोटीन एनर्जी है ना इसमें। तो भाई आ चुके हैं कुछ ऐसी जगह पे थोड़ा चाय पानी पीने के लिए, यहाँ पे भाई चाय वाय पीते हैं, नाश्ता करते हैं और उसके बाद फिर इधर से निकलेंगे। अभी भी बहुत ज़्यादा दूर है, बाकी नंदी को अपने इधर खड़ी कर दी है। मेन रोड पे थोड़ा बैठे हुए साइड में, बाकी अपनी नंदी इधर खड़ी है, गबरू इधर है। और जैसे कि मैंने अभी फ्लैग उतार रखा है, मैं अभी कल परसों में फ्लैग लगा दूंगा। और बाकी पूरा वेट आगे है, गबरू का वेट और मेरा वेट पीछे है। बहुत दिनों के बाद में साइकिल चलाया ना तो पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है यार। और रास्ते में ये भाई मिला जो कि YouTube पे वीडियो देखते थे और भाई ने सब्सक्राइब भी किया है, थैंक यू भाई।
कुछ बोलना चाहोगे? नहीं, कुछ नहीं बोलना चाहोगे क्योंकि तुम बहुत अच्छे हो। थैंक यू भाई, थैंक यू। दोस्तों सिलीगुड़ी में जहाँ पे मैं जाऊँगा वो जगह मेरे यहाँ से 21 किलोमीटर रह गया है और अभी राइट नाउ टाइम हो रहा है 3। हम लोग सुबह 4:30 बजे घर से निकले थे और देख लो 4:30 बजे से लेके 3 बजे तक हम लोगों ने राइड किया है कितना 100 किलोमीटर राइड किया है। और आज इतना ज़्यादा राइड पता है क्यों कर पाए? क्योंकि आज का मौसम बिल्कुल बारिश जैसा मौसम हो रखा है, इसलिए मैंने 2 दिन का टारगेट लिया था मेरे घर से सिलीगुड़ी पहुंचने तक, लेकिन 1 दिन में टारगेट पूरा हो गया क्योंकि ऊपर वाले थोड़े मेहरबान हो गए। इसलिए बाकी बिल्कुल एग्जैक्ट 3 बजे से लेके हम लोग साइकिल चलानी पड़ेगी क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा निकलती है, इसलिए मैं भी इतना धूप में नहीं चल पाऊँगा। तो हम लोग जल्दी से जल्दी साइकिल चलाएंगे और सुबह 9-10 बजे तक चला के पूरा दिन भर रेस्ट करेंगे और फिर वापस सुबह जल्दी चलाएंगे, ऐसे ही करना पड़ेगा। बाकी 5-6 घंटे भी साइकिल चला लेंगे तो बहुत होगा हमारे लिए। दोस्तों कुछ ऐसी जगह और हम दोनों जा रहे पैदल क्योंकि ये जो ब्रिज है ना बहुत लंबी थी तो चढ़ाई कर ली हम लोगों ने पैदल। अब आगे ढलान है ना, वहाँ से उतरेंगे। सुबह के 4:30 बजे से साइकिल चला रहा हूँ रेस्ट करके और अभी बज रहे 6, तो लगभग 13 घंटे हो चुके हैं, आधा घंटा कम 13 घंटे ही मान लो। और अभी हम लोग पहुँचने वाले हैं यहाँ से समथिंग 15 किलोमीटर और रह गया है, थोड़ा रेस्ट करके जा रहे हैं आराम से। और जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे कुछ ऐसा जगह आ चुका है और अपना गबरू बाबा भी इधर ही है, ऐसे कुछ रास्ते। चलो भाई पहुँचते और फिर रेस्ट लेते। तो भाइयों अभी समथिंग 7 बज गए और अभी भाई यहाँ पे आ गई बारिश, जैसे कि देख सकते हो सामने आ चुकी है बारिश और थोड़ा थोड़ा भीग गए। ये ऊपर एक स्टेडियम है तो यहाँ पे रुक गए थे तो भाई मेरा दोस्त आ गया टोटो लेके लेने, चलो चलते। फाइनली जो है मेरे फ्रेंड के घर पे आ चुका हूँ और अभी टाइम हो रहा है 7:30, सुबह निकले थे 4:30 बजे, तो आप हिसाब लगा लो कितना टाइम लगा है। और आते आते जो है एंड टाइम पे थोड़ी बारिश हो गई और देख सकते हो अपनी नंदी जो भी अपना जो नंदी है वो भी थोड़ा भीग चुका है। सुबह से ऐसा मौसम हो रहा है कि बारिश आएगी और लास्ट में आखिरकार आएगी। 3-4 दिन से भाई ये नाटक चल रहा है बारिश वाला, लेकिन बारिश आ नहीं रही थी तो फाइनली बारिश आया। तो आज का दिन भी काफ़ी अच्छा था इसलिए 120 किलोमीटर राइड कर पाया हूँ, वरना 60 किलोमीटर करके राइड करता। तो चलो भाई अंदर चलते हैं। गबरू जो है वो ई रिक्शा में बैठ के आ रहा है। तो काफ़ी लंबा सफ़र हो गया, ये सुबह 4:30 बजे से राइड कर रहे हैं और अभी बज रहे 7:30-8 समथिंग। और आप मेरे पीछे देख रहे होंगे ये बॉटल्स इतने सारे, तो ये है टाटा का वाटर बॉटल और यहाँ पे ये गोडाउन है। मेरा जो दोस्त है उनका मतलब काम है ये पानी बॉटल और टाटा ग्लूकोज इन सब का, तो अगर आपको मार्केट में मिलते हो तो ज़रूर पीना। और बाकी अभी रेस्ट करेंगे यार, बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ फिर भी एनर्जी के साथ बोल रहा हूँ मैं। गबरू का सोने का स्टाइल देखो इधर कैसे सो रहा है, डंबल के ऊपर अपना मुंह रख के। ये वीडियो इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय।